अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक और वर्दी वालों ने मुबैना तौर पर डकैती की वारदात कर डाली। अभी औरंगी टाउन डकैती केस हल ना हो सका है। टीपू सुल्तान में पुलिस ने जो लूटमार की हल ना हो सकी है। सकरंड वाला वाकया जहां फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लूट गया, वो अभी तक मामला हल ना हो सका है कि एक और वारदात सामने आ गई। सईदाबाद का इलाका है, सईदाबाद का इलाका सेक्टर 14C, जहां रिटायर्ड इंस्पेक्टर बशीर हुसैन के घर में पुलिस की वर्दी और सादा लिबास में मलबूस अहलकार दो पुलिस मोबाइलों में आए, जिनकी तादाद 7 से 8 बताई जाती है, और उनके बेटे को जदोकोप किया। 2 लाख रुपए और 4 तोले के तलाई जेवरात ले उड़े। एक और वारदात हो गई। आला हुकाम ने नोटिस तो लिया है। इससे पहले जो है, मैं आपको बताऊं कि आला हुकाम ने क्या नोटिस लिया। पहले रिटायर्ड इंस्पेक्टर जो बशीर हुसैन है, उनकी वीडियो देखें। 5 आदमी मुंह बांधे हुए थे मेरे घर के अंदर, एकदम घुसे। उन्होंने असले के जोर थे मेरी बच्चियों को एक शहर में ढेली में यार मार बना के रखा। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई मैं बाहर निकला नहीं, उनसे मैंने ये कहा कि भाई मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तेरा बेटा कमर चाहिए। मैं बोला कमर तो रात को ड्यूटी पे गया हुआ है। बोला ऐसा उसके पास ग्लॉक पिस्टल है। मैं बोला बिल्कुल पिस्टल है, बोले समझदार है, 144 है, मैं आपको दूंगा, आप ऐसा तो नहीं करो ना मेरे घर की तेज नेज कर रही। फिर इसके बाद मैं बाहर निकला, छोटे काद में दरमियानी मेरी तरह एक बंदा था सिवर कपड़ों में, उसका मुंह खुला हुआ था। मैंने उसको बोला साहब अपना तारफ कराओ। तो उसने कहा कि CTD गार्डन से आए, और उसके साथ जितने बंदे थे वो सब प्राइवेट थे। उनके लहजे में ये पता चलता था कि ये पुलिस वाले नहीं है सिवर कपड़ों में। सिर्फ 2 मोबाइलें थी, ब्लैक नंबर, 2 मोटरसाइकिल थे लाल, और उन पर 2 आदमी बैठ के जो उधर से आए वो भी प्राइवेट थे, और उसके बाद ब्लैक नंबर उसमें 2 यूनिफॉर्म के अंदर थे पुलिस में, पुलिस वाले, बाकी सब आदमी तकरीबन 10-11 के दरमियान प्राइवेट कपड़ों में थे। उनके बाद ऊपर नीचे छानबीन करके जब वो निकले तो एक ने अंदर से घर से एक डब्बा उठाया जिसके अंदर मेरा पिस्टल रखा हुआ था। तो पिस्टल तो बच्चे के पास था, वो नाइट में ड्यूटी करता है। तो अब वो डब्बा जब उठा के लाए उसमें 50 राउंड था, उसमें 50 राउंड भी गैप था। मैंने उनको कहा भाई मुझे राउंड तो दे दो। बोला नहीं नहीं हमने नहीं लिए। मेरे सामने उन्होंने अलमारी से मेरे बच्चियों के दोनों के जेवरात, मेरी महरूम बीवी के, वो उठाए मेरे सामने, जिनकी वजनी तकरीबन 4 तोले के करीब है, और इसी तरह 2 लाख रुपये नकदी उन्होंने लिया, और उसके बाद जो है 50 राउंड पिस्टल भी ये लेके उठा। वीडियो देखी आपने, इन्होंने कहा कि CTD के अहलकार थे जो आए, उनकी बेटियों को एक कमरे में बंद कर दिया, इनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, 2 लाख रुपए, 4 तोले के जेवरात, राउंड भी ले गए, और इल्ज़ाम लगाया कि असलाह है घर में, जबकि लाइसेंस याफ्ता था। उसके बाद ये वीडियो जो है वायरल हुई, और वायरल होने के बाद आरिफ असलम राव जो है SSP केमाड़ी, उन्होंने औरंगी टाउन डकैती के वाक़े के बाद तमाम पुलिस पार्टियों के लिए अहकाम जारी किए थे कि कोई भी एजेंसी या पार्टी पुलिस की, वो अगर इस इलाके में आए तो बग़ैर थाने में एंट्री के किसी के घर पर भी छापा नहीं मारेगी। लेकिन उसके बावजूद भी सईदाबाद में वाक़या हो गया, और उन्होंने भी तहकीकात शुरू करवा दी हैं कि आया कि ये पुलिस अहलकार कौन थे। जबकि CTD का नाम आने के बाद DIG CTD जो आसिफ एजाज शेख हैं, वो भी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने DSP फरीद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है, और उनका ये भी कहना था कि CTD के अगर अहलकार मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, और इसके अलावा अगर वो नहीं भी हैं CTD के तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। वो ख़ुद गुज़िश्ता रोज़ रात को CTD गार्डन पहुँचे हैं, छानबीन की है। एक रोज़ में उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाएगी और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहली शिकायत नहीं है, CTD के अंदर इस तरीके की शिकायत आती ही रहती हैं, लेकिन एक औरंगी टाउन डकैती के बाद ये मामला रुक जाना चाहिए था, लेकिन ना रुका,
उसके बाद टीपू सुल्तान में भी हुआ, सकरण में भी हुआ और अब ये सईदाबाद में भी हुआ। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि आईजी सिंध को औरंगी टाउन डकैती केस को एक मिसाल बनाना चाहिए, जो यूटी डीएसपी और उनके खिलाफ जो सबूत आए हैं उस पर कार्रवाई करें, इसको मिसाल बनाएं, इस केस को इसमें इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करें कि दूसरे पुलिस अफसरान और एहलकारों में खौफ फैल जाए। लेकिन बात यह है कि यूटी डीएसपी भी बहुत बासर है। अब एक फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जो कि चीफ सेक्रेटरी सिंध फख्र आलम हैं, उनके साइन से ये ऑर्डर जारी हुआ है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, कमिश्नर कराची हैं, एक डीआईजी जो कि कराची से बाहर का हो, कराची का ना हो, और दीगर हुकाम को फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी में रखा गया है और 10 रोज़ का टाइम दिया गया है। तो सियासी असर व रसूख तो यूटी डीएसपी का है ही, तो हो सकता है हमारे ज़रा ये बताते हैं कि क्लीन चिट देने की तैयारी के लिए फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। लेकिन डीआईजी वेस्ट की रिपोर्ट को आसिम कायम खानी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसको नज़रअंदाज नहीं, अगर वो रिपोर्ट नज़रअंदाज होती है तो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी पर कई सवाल उठ जाएंगे, कई उंगलियां उठेंगी। तो इसलिए ज़रूरी ये है, अगर पुलिस का मोराल बुलंद करना है और ये डकैतियों के ये जो मुबैना डकैतियां जो मारी जा रही हैं पुलिस की जानिब से, अगर इनको रोकना है तो इस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना पड़ेगी, वरना इसी तरह डकैतियां होती रहेंगी, इसी तरह लोग लुटते रहेंगे और पुलिस जो महाफिज है वो पहले ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं से तंग है, तो अब ये महाफिज भी लुटेरे बन जाएंगे तो फिर ये शहरी कहाँ जाएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।